डिजिटल न्यूज 20 से मैं अरुण कुमार शाही अभी कोलकाता से पहुंचे मुजफ्फरपुर के शाहबाजपुर में वेदानंद शास्त्री आनंद जी से हमारी बातचीत हो रही है। महाराज जी ये बताएं कि भक्ति से मुक्ति कैसे मिलती है, भक्ति से क्या क्या फायदा है। शास्त्र में लिखा है कि भक्ति सर्वोपरि है, भगवान के ऊपर के भाव और भीतर के भाव दोनों के भाव का नाम भक्ति है। किसी ने व्यास जी से पूछा भक्ति कहते किसे है, तो उन्होंने बताया भगवान की कथा के प्रति जिनकी प्यास है या अभिरुचि कहते हैं उसको, भगवान की कथा की अभिरुचि कथा की प्यास का नाम भक्ति है। तो भक्ति मिलती कहाँ है, तो उन्होंने बताया भागवत के मध्य में भक्ति है। जो लोग भागवत कथा में समयानुसार श्रद्धानुसार भाव के हिसाब से आ गए उनके जीवन में भक्ति आएगी, और जिनके जीवन में भक्ति आएगी उन्हीं के जीवन में मुक्ति आएगी। चाहे वो कितने धनवान हो, गरीब हो, रूपवान हो, विद्यावान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। भक्ति साधारण आदमी को भी आ सकती है, जिनके पास खाने का दाना नहीं है, जिसके पास कपड़े नहीं है, घर नहीं है, उनके पास भी भक्ति आ सकती है। और बड़े बड़े धनवान जो हैं वो भी यदि इस प्रकार के निष्ठा रखते हैं तो उनको भी भक्ति आती है। कबीरदास जी, सूरदास जी खास करके गरीब थे, रैदास जी गरीब थे, उनको भी भक्ति आई। और मीराबाई राजा की बेटी, राजा की बहू थी, तो उनको भी भक्ति आई। भक्ति से ही गति होती है, यही स्पष्ट है शास्त्र में। और भक्ति भागवत के माध्यम से मिलती है। यदि भागवत में जीव संपर्क नहीं करे या स्नेह नहीं करे तो भक्ति संभव नहीं है, और भक्ति यदि संभव नहीं है तो मुक्ति भी संभव नहीं है। इसलिए मुक्ति यदि चाहिए, और हम तो ये कहेंगे जीते जी कल्याण और मृत्यु के बाद परम कल्याण, भगवान वेद व्यास ने कहा, तो भक्ति ऐसी चीज है कि इहलोक परलोक दोनों को सुधारने वाली है। इस तरह शास्त्र में ये प्रयोग किया गया कि यदि आप घर में 10 सदस्य हैं तो 10ों को भक्ति चाहिए। उदाहरण के लिए यदि 5 आदमी भक्ति करते हैं, 5 नहीं करते हैं, तो जो करते हैं उनकी भी भक्ति धीरे धीरे घट जाती है। इसलिए पूरे परिवार के सदस्य भक्ति के माध्यम से जुड़ें, भागवत जी से जुड़ें। जिनके जीवन में भक्ति आ गई तो भगवान बिना बुलाए आपके घर में आ जाते हैं, और जहाँ भगवान आ गए वहाँ शांति भी है, मुक्ति भी है, कीर्ति भी है, सामर्थ्य शक्ति भी है। तो कुल मिलाकर भक्ति ही मूल है। भगवान की खोज नहीं करें, भक्ति की खोज करें, भगवान वेद व्यास का यही कहना है। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।